हेलो माय डियर चिल्ड्रंस, वेलकम टू माय चैनल सुधीर सर केमिस्ट्री। बेटा, जिस तरह से केमिकल बॉन्डिंग का मैंने इसके पहले आपको लेवी स्ट्रक्चर्स बताया था और उसमें हमने देखे थे कि फॉर्मल चार्जेस कैसे निकालते हैं, तो एक्चुअली हमारा जो टॉपिक चल रहा है बेटा वो कोवेलेंट बॉन्ड का टॉपिक चल रहा है। और कोवेलेंट बॉन्ड जिस तरह से हम जानते हैं कि इट इज़ अ बॉन्ड फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करके जो बॉन्ड बनता है दैट बॉन्ड कॉल्ड एज ए कोवेलेंट बॉन्ड। तो इसको सबसे पहले एक्सप्लेन लेविस साहब ने किए बाय गिविंग इट्स लेविस स्ट्रक्चर। फिर लेविस स्ट्रक्चर देखने के बाद हमने उसमें ये भी देखा कि उस मॉलिक्यूल या रेडिकल्स या उस कंपाउंड के अंदर एक एक जो आपके एटम्स होते हैं उनके फॉर्मल चार्जेस क्या होती है, हमने वो भी देख लिया है। तो बेटा, अब उसी को थोड़ा सा कंटिन्यू कराना है कि केमिकल बॉन्डिंग में हमने जिस तरह से लेविस स्ट्रक्चर देखा है बेटा, फॉर्मल चार्जेस निकालना सीखा है, तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का सबसे पहले थ्योरी लेविस साहब ने दी है। लेविस साहब के बाद में बेटा वीबीडी थ्योरी आ गई, पॉलिंगो स्लेटर साहब ने दी है। उसमें कुछ आपको लिमिटेशंस आते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन वाली थ्योरी आ गई, उसमें कुछ लिमिटेशंस आते हैं तो वीएसीपी आ गई। तो ये कंटिन्यू है, पहले लेविस, फिर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, फिर वीएसीपीआर और फिर हाइब्रिडाइजेशन, लास्ट में पहले लेविस, फिर वीबीटी, फिर हाइब्रिडाइजेशन और लास्ट में वीएसीपीआर। तो जिस तरह से लेविस मैंने कंप्लीट करा लिया बेटा, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक शुरू होने वाला है दैट इज अबाउट द वीबीटी। बेटा वीबीटी कॉल्ड एज ए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, दिस इज कॉल्ड एज ए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और अगर आपसे पूछा जाए ये थ्योरी किसने दिया, तो आपने बोला सर दिस थ्योरी वॉज इंट्रोड्यूस बाय सुधीर सर। सही है क्या? सही है? नहीं सर, सुधीर सर कहां इतने बड़े, सुधीर सर ने इंट्रोड्यूस नहीं किया। दिस थ्योरी वॉज इंट्रोड्यूस बाय पॉलिंग एंड स्लेटर। आप जानते हो ये पॉलिंग साहब कौन है? अपना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की पॉलिंग स्केल दी थी ना, वही वाले साहब है, पॉलिंग साहब है आप और स्लेटर साहब, ये दोनों ने मिलकर इस थ्योरी को इंट्रोड्यूस किया है। लेकिन इस थ्योरी को एक्सटेंड भी किया है, इट वॉज एक्सटेंडेड बाय हिटलर एंड लंडन। बेटा हिटलर साहब और लंडन साहब दोनों ने मिलकर इस थ्योरी को क्या किया, एक्सटेंड किया है। तो पहली बात तो ये है, दिस थ्योरी वॉज इंट्रोड्यूस बाय पॉलिंग एंड स्लेटर एंड इट वॉज एक्सटेंडेड बाय हिटलर एंड लंडन, ये कंसेप्ट है। अच्छा, ये थ्योरी बताती क्या है तो ये भी सुनो बेटा, दिस थ्योरी एक्सप्लेन्स द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। ये थ्योरी हमको ये भी बताती है कि इट एक्सप्लेन्स बेटा, इट एक्सप्लेन्स द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। सर कोवेलेंट बॉन्ड क्या है ये तो हम भी जानते हैं बेटा, द बॉन्ड फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट? बट इट एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। यही तो कंसेप्ट सीखना है, ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग करा के जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हो, इसी के बारे में हमको इस थ्योरी में सीखना है। तो बेटा दिस थ्योरी एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, और कोवेलेंट बॉन्ड जो बनाते हो वो कैसे बनाते हो, बाय द ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अब यहां पर बेटा एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या है, वैसे सब बच्चे जानते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर अच्छे से पढ़े होंगे, आपने देखा है एटॉमिक स्ट्रक्चर में। एटॉमिक ऑर्बिटल मतलब वो जगह बेटा जहां प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, 95-98% होता है। मतलब एक ऐसी जगह जहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की चांसेस 98% है, उस जगह को हमने एटॉमिक ऑर्बिटल बोला है। तो एटॉमिक ऑर्बिटल के टाइप्स क्या क्या होते हैं, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, एफ। तो ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग करा के जो बॉन्ड बनता है वो बॉन्ड को हम बोलेंगे बेटा दैट इज अ कोवेलेंट बॉन्ड, राइट? अब इस थ्योरी में जो फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड है, राइट, तो इसमें कुछ कंडीशंस होती है बेटा कि ये कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे। तो लेट मी एक्सप्लेन यू, ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बुक में तो नहीं है पर मैंने बुक में से अलग अलग बुक में से निकाला है। कंडीशंस फॉर ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। बेटा कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे, तो याद रखो बेटा कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे उसकी कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशन नंबर वन, एटॉमिक ऑर्बिटल्स मस्ट हैव सेम और नियरली सेम एनर्जी। मतलब जो एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे को ओवरलैप करने वाले हैं
वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी कैसी हो, या तो सरी की हो या नियरली सेम हो, राइट। दूसरी बात बेटा, एटॉमिक ऑर्बिटल जो ओवरलैप करने जा रहे हैं, दिस एटॉमिक ऑर्बिटल्स मस्ट कंटेन, मतलब ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल लिखो ना बेटा, ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल मस्ट कंटेन अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। बेटा इट मस्ट कंटेन व्हाट? अनपेड इलेक्ट्रॉन मतलब इसके अंदर में अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हो। बेटा दीज अनपेड इलेक्ट्रॉन्स विथ अपोजिट, लिखू मैं ऐसा, विथ अपोजिट स्पिन। अपोजिट स्पिन मतलब अगर ये एटॉमिक ऑर्बिटल है ना भाई, ये +1/2, तो आने वाला जो एटॉमिक ऑर्बिटल है वो ऐसे हो -1/2। ये क्या है बेटा? +1/2। ये क्या है? -1/2। तो ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल मस्ट कंटेन अनपेड इलेक्ट्रॉन विथ अपोजिट स्पिन और सेम साइन। बेटा सेम साइन का मतलब है, अगर मेरे पास एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, लेट अस से बेटा पी ऑर्बिटल, देखो मैं यहां दे रहा हूं, ये एग्जांपल है, ये पी ऑर्बिटल है और ये भी पी ऑर्बिटल है बेटा, तो इन दोनों पी ऑर्बिटल्स में यहां पर साइन प्लस तो माइनस, तो यहां भी प्लस होना माइनस होना सेम साइन वाले एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे। मैं इसका एक्सप्लेनेशन दूंगा बेटा आपको, जस्ट मैं कंडीशंस दे रहा हूं कि कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप होने वाले की कंडीशंस क्या होनी चाहिए। पहली तो बात, एटॉमिक ऑर्बिटल मस्ट हैव सेम और नियरली सेम एनर्जी, दिख भी रही है। दूसरी बेटा, ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल मस्ट कंटेन अनपेड इलेक्ट्रॉन। जो एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे को ओवरलैप करने वाले हैं, इनकी 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 ये अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हो और इनकी स्पिन कैसी बेटा? अपोजिट स्पिन हो। और कैसे हो? दे मस्ट हैव सेम, अगर आप साइन के कंसेप्ट में देखते हो ना, तो साइन भी सेम हो। देखो प्लस प्लस रहा तो ओवरलैप करेगा, प्लस माइनस रहा तो ओवरलैप नहीं करेगा। इसके बारे में एक्सप्लेनेशन दूंगा मैं। तो ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल मस्ट कंटेन अनपेड इलेक्ट्रॉन विद अपोजिट स्पिन और सेम साइन एंड एंड प्रॉपर ओरिएंटेशन। बेटा अगर ओरिएंटेशन सेम हो तो ओवरलैपिंग होगी, सेम साइन हो ओवरलैपिंग होगी, अनपेड इलेक्ट्रॉन विद अपोजिट स्पिन हो तो ओवरलैपिंग होगी। तो ऐसी सारी कंडीशन अगर आ जाएगी तो देर इज ए ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स होगी। तो राइट बेटा, इस कंडीशंस को मैं थोड़ा आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। देखिए बेटा, इस कंडीशंस को एक्सप्लेन करा रहा हूं मैं। कंडीशन जो मैंने बोला था, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होगी। एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं मैं बेटा, मेरे पास एक हाइड्रोजन आइटम है और दूसरा हाइड्रोजन आइटम है, और इन दोनों से ओवरलैपिंग करके मैंने एक कोवेलेंट बॉन्ड हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बना दिया है। बेटा आप जानते हो ये 1s1 होता है हाइड्रोजन, हाँ सर, तो इलेक्ट्रॉन +1/2। बेटा दूसरा हाइड्रोजन भी 1s1 होता है, तो और एक अनपेड, लेकिन मुझे यहां पर डाउनवर्ड एरो दिखानी है, क्योंकि उन्होंने क्या बोला, एटॉमिक ऑर्बिटल्स में अनपेड इलेक्ट्रॉन हो। हाँ सर है, अनपेड तो इलेक्ट्रॉन है, लेकिन अनपेड इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद भी इनकी स्पिनिंग कैसी हो बेटा? अपोजिट हो। मैं तो वही दे रहा हूं ना, इट मस्ट हैव अपोजिट स्पिन। तो सर इनकी ओवरलैपिंग होगी, इनमें कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, ये राइट का मतलब ओवरलैपिंग होगी, कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। सर इसकी बात की है भाई, इसकी बात करो ना सेम साइन वाली। देखो बेटा सेम साइन वाली बता रहा हूं, अगर आप जानते हो क्लोरीन से क्लोरीन जुड़ेगा तो क्लोरीन का मॉलिक्यूल बनेगा, नहीं? हाँ सर, क्लोरीन से क्लोरीन जुड़ेगा तो क्लोरीन का मॉलिक्यूल बनेगा, अच्छी बात है। क्लोरीन के एटॉमिक नंबर कितनी है बेटा? 17। कॉन्फिगरेशन लिख के देखो आप, नियॉन 3s2 3p5, मतलब इस क्लोरीन के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन कहां पर है? तो 3p ऑर्बिटल में है भाई, तो इसका p ऑर्बिटल इसमें भी अनपेड होगा, दूसरा क्लोरीन का p ऑर्बिटल उसमें भी अनपेड होगा भाई, ये भी अनपेड, दोनों अनपेड है ओवरलैपिंग करा के। ये देखो इस तरह की ओवरलैपिंग होगी, दिख रही? और ये देखो ऐसे बॉन्ड बना लिया, छोटा बनाया बेटा, जस्ट देखो, नहीं दिख रहा, मैं थोड़ा बड़ा बनाने की कोशिश करूंगा। अब दिख रहा आपको? हाँ सर, मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन विद अपोजिट स्पिन, देखो एक ऊपर +1/2, ये नीचे -1/2,
अपोजिट स्पिन है, ओवरलैपिंग करा के बॉन्ड बना लिया। सर साइन की कंसेप्ट में बताओ, अच्छी बात है बेटा, साइन 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 साइन, बेटा ये प्लस साइन तो माइनस, प्लस साइन तो माइनस, मतलब ये तो ओवरलैपिंग हो गई, यहां भी ओवरलैपिंग होती है, देखो ये बड़ा सा प्लस और ये माइनस, ये माइनस, जम गया बेटा, प्लस प्लस जुड़ के बड़ा सा प्लस बन गया माइनस, मतलब यहां पर ओवरलैपिंग होगी क्योंकि कंडीशन ही बताता है क्या, जो एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे से जुड़ने वाले हो उनकी साइन सेम हो, सेम साइन हो तो ओवरलैपिंग करेगी, अच्छी बात है। सर आप अपोजिट स्पिन भी बता दिए और आपने साइन का कंसेप्ट बता दिया, प्रॉपर ओरिएंटेशन की भी बात करेंगे, प्रॉपर ओरिएंटेशन, देखो भाई आपका ये वाला ऑर्बिटल आपके एक्स एक्सिस जेड एक्सिस से आ रहा हो, मतलब ऐसे आ रहा हो, और ये वाला ऑर्बिटल भी वहां से जेड एक्सिस से आ रहा है, वो भी ऐसे ही आ रहा है, मतलब एक यहां से आएगा एक यहां से आएगा, दोनों सीधा जुड़ जाएंगे तो ओरिएंटेशन प्रॉपर है, बॉन्डिंग बना लिए। बेटा इम्प्रॉपर की बात करेंगे, ये कौन सी प्लस और माइनस, दूसरा वाला ये कौन सा बेटा प्लस और माइनस, तो क्या बोलना, नो ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, क्यों, ये एक ऐसे आ रहा भाई, एक ये ऐसे आ रहा, कभी इन दोनों में ओवरलैपिंग नहीं हो सकती, इज इट क्लियर, तो ये प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं है। तो मैंने बेटा ओवरलैपिंग की कंडीशन बताया, पहले सबसे पहले बताया कि देखो वीबीटी थ्योरी बताती है कि फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, बेटा वीबीटी थ्योरी अगर बताती है आपको फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कैसे होते हैं, ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, सर एटॉमिक ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स मतलब कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे, क्या सारे करेंगे, ना भाई कंडीशंस होती है, क्या कंडीशंस है, जो ओवरलैपिंग करने वाले एटॉमिक ऑर्बिटल है इनकी साइन भी, सॉरी दे मस्ट हैव सेम और नियरली सेम एनर्जी, और दे मस्ट कंटेन अनपेड इलेक्ट्रॉन विद अपोजिट स्पिन और सेम साइन और प्रॉपर ओरिएंटेशन, ये सब होंगी कंडीशंस तो कोवेलेंट बॉन्ड्स कोवेलेंट बनेंगे, अगर ये कंडीशन नहीं होगी तो कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनेंगे, इज इट क्लियर, ठीक है बेटा, यहां तो स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, वेरी गुड। अब थोड़ा सा इसके बारे में और जानेंगे बेटा हम लोग, टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग क्या क्या होती है, नॉन वी आर गोइंग टू सी नाउ। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं बेटा, जितनी अच्छी ओवरलैपिंग होगी उतना स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनेगा। सर हमको कैसे मालूम कि ये ओवरलैपिंग अच्छी है कि ओवरलैपिंग बुरी है, ऐसा कुछ भी नहीं बेटा, अच्छी बुरी मतलब आप यहां से डिसाइड कर सकते हो, आपको दिखाई देगा कि इसकी ओवरलैपिंग अच्छी हुई है तो इससे बनने वाला बॉन्ड स्ट्रांग होगा, सर इसकी ओवरलैपिंग अच्छी नहीं हुई है तो इससे बनने वाला बॉन्ड वीक होगा। तो यहां पर ये पॉइंट बताया जाता है बेटा, हर बुक में लिखा हुआ है, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखो बेटा एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। अब बात आती है एक्सटेंट का मतलब क्या है, सर एक्सटेंट का मतलब क्या है, हाँ बेटा यही तो सीखना है कि कौन सी ओवरलैपिंग अच्छी एक्सटेंट वाली है और कौन सी ओवरलैपिंग अच्छी एक्सटेंट वाली नहीं है। अच्छी एक्सटेंट मतलब ज्यादा ओवरलैप कर गया तो बॉन्ड का स्ट्रेंथ भी ज्यादा, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा, बॉन्ड लेंथ कम, वो तो कंसेप्ट आपको मालूम ही है। तो अभी एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग मतलब कौन सी ओवरलैपिंग अच्छी है कौन सी नहीं है, मतलब ग्रेटर एक्सटेंट किसका है और लेस एक्सटेंट किसका है, ये जानने के लिए आपको सबसे पहले जानना पड़ेगा टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग बेटा। तो हमको ये जानना पड़ेगा टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग किसकी बेटा, ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। हाँ टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स सर इट इज ऑफ टू टाइप। तो पहला वाला है बेटा एक्सियल ओवरलैप, आप इसको क्या कह सकते हो मालूम है, हेड ऑन ओवरलैप और दूसरा होता है बेटा लैटरल ओवरलैप बेटा इसको आप ये भी कह सकते हो साइडवाइज ओवरलैप, ठीक है बेटा। एक तो आएगा हेड ऑन, सीधा सर से सर टकरा लेगा, और एक होगा साइडवाइज, सीधा ऐसे आजू बाजू टकरा जाएंगे। तो बेटा जब भी सर से सर टकराएगा एक्सियल होगा, जब भी साइडवाइज से टकराएगा लैटरल होगा। बेटा ये जो हेड ऑन ओवरलैप से जो बॉन्ड मिलता है आपको, ये बॉन्ड का नाम है सिग्मा,
बेटा जानते हो सिग्मा को ऐसा लिखते हैं, ऐसा एक जीरो लिखते सर पे डंडी लगा देते हैं, नहीं समझे? देखो भाई एक ऐसा जीरो लिखो उसके सर पे डंडी लगा दो, ये क्या होगी? सिग्मा बॉन्ड, राइट? बेटा साइडवेज जो ऐसे आके जुड़ते हैं ना, साइडवेज लेटरल, इससे बनने वाला बॉन्ड होता है पी आई ई, पाई बॉन्ड। भाई पाई बॉन्ड कैसे? क्रिकेट के दो स्टंप लगा दो उसके ऊपर बेल लगा दो। तो सर क्रिकेट में तो तीन स्टंप लगते हैं। हाँ बेटा बीबीटी में दो स्टंप में खेले थे उन लोग क्रिकेट, बीबीटी चल रही थी तब क्रिकेट के लिए उनको दो स्टंप लगाना पड़ा, ऊपर एक बेल लगाना पड़ा, तो ये हो गया बेटा पाई बॉन्ड। मतलब डिमोशन बता रहा हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बच्चों को याद रहता नहीं रहता तो चलो सुन लो। सिग्मा मतलब एक ऐसा ऐसा गोल बना लो उसके ऊपर डंडी दे दो सिग्मा, पाई मतलब दो स्टेम लगा दो उसके ऊपर में छोटी सी बेल लगा दो पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड कैसी बनती है सर? लैटरल से। और सिग्मा बॉन्ड कैसी बनती है बेटा? हेड ऑन से। समझ में आ रहा? हेड ऑन ओवरलैपिंग से सिग्मा बनती है, साइडवेज ओवरलैपिंग से बेटा पाई बॉन्ड बनती है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए पैरेलल ओवरलैप। ये जो लैटरल साइडवेज जो दिख रहा है ना, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए पैरेलल ओवरलैप। पैरेलल ओवरलैपिंग से बेटा जो बॉन्ड बनती है वो होती है पाई बॉन्ड, राइट? दूसरा, अब ये जो एक्सल ओवरलैपिंग जो आपको दिख रहा है बोर्ड पे, हम लोग इसके यहां बेटा टाइम्स देखेंगे कि ऐसे कितने टाइप्स ऑफ एक्सल ओवरलैपिंग है। हाँ मतलब हो सकता है ना बेटा ओवरलैपिंग भी है एक्सल है तो कैसे है, और इसके भी टाइप्स क्या है हम वो भी देखेंगे। एक्चुअली बताया जाए ना बेटा एक्सल और हेड ऑन ओवरलैपिंग के टाइप्स होते हैं ये, या तो SS होगा या तो SP होगा या तो PP होगा। और ये जो साइडवाइज और लैटरल जो दिख रहा है ना बेटा, इससे जो इसके टाइप जो होते हैं बेटा ये होते हैं या तो PP ओवरलैपिंग होते हैं या तो PD होते हैं या तो DD होते हैं। ये तो सीखना है। ले लो सर स्क्रीनशॉट। वेरी गुड बेटा, अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है एक्सल ओवरलैपिंग। और एक्सल ओवरलैपिंग में हम देखने वाले हैं बेटा वो SS ओवरलैपिंग, SP ओवरलैपिंग, PP ओवरलैपिंग, किसकी एक्सटेंड अच्छी है, किसकी एक्सटेंड अच्छी नहीं है, किससे बनने वाला बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होगा, किससे बनने वाला बॉन्ड कम स्ट्रांग होगा, अब सारी इसकी बातें करेंगे, राइट? तो अब आएगा बेटा नंबर वन कॉल्ड एज एक्सल ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। तो सर एक्सल ओवरलैपिंग मतलब हेड ऑन ओवरलैपिंग मतलब बनने वाला बॉन्ड होगा सिग्मा। वेरी गुड सर। बेटा इसमें जो टाइप्स है सबसे पहला वाला टाइप है वो है आपका SS ओवरलैपिंग वाला। बेटा SS ओवरलैपिंग आपको दिख के भी समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है, एक S का ऑर्बिटल होगा बेटा, दूसरा भी S का ऑर्बिटल होगा और दोनों की ओवरलैपिंग होगी। तो भाई ये वाला S ये वाले S से जुड़ गया, इसका न्यूक्लियस यहां, इसका न्यूक्लियस यहां। आपको बताया गया था बेटा एक अनपेड ऐसे +1/2 में होगा तो दूसरा अनपेड बेटा ऐसा -1/2 में होगा, तो +1/2 -1/2 ऐसी ओवरलैपिंग होगी, इससे बनने वाला जो बॉन्ड होगा वो होगा S और S से सिग्मा बॉन्ड बन गया। सर क्या इसके एग्जाम्पल दोगे? हाँ भाई, इसका एग्जाम्पल है फॉर्मेशन ऑफ H2 का मॉलिक्यूल। मतलब अगर आप हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल बनाना चाहो तो बेटा H2 के मॉलिक्यूल आप बना सकते हो बाय यूजिंग द SS ओवरलैपिंग। क्यों? एक हाइड्रोजन एटम दूसरे हाइड्रोजन एटम से जब जुड़ता है तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन की मॉलिक्यूल बनाता है। बेटा हाइड्रोजन की कॉन्फिगरेशन आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, 1s1 1s1 है। मतलब एक S का ऑर्बिटल है जिसके पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ये छोटा सा उसका न्यूक्लियस है, प्लस ये भी S का ऑर्बिटल स्फेरिकल है बेटा उसका न्यूक्लियस, और ये उसका इलेक्ट्रॉन डाउनवर्ड एरो में। अब दोनों की ओवरलैपिंग करा लो तो ओवरलैपिंग कराने से इस तरह से H2 के मॉलिक्यूल्स मिलते हैं और इसमें जो बॉन्डिंग बनती है बेटा दैट बॉन्ड इज कॉल्ड एज ए सिग्मा बॉन्ड। तो आप बोलो SS सिग्मा बॉन्ड बन गया। इज इट क्लियर बेटा? इज इट क्लियर? एक बात याद रखो बेटा, एक बात याद रखो, यहां एक नोट है। चलो बेटा ये छोटा सा नोट आप सब बच्चों के लिए, 500 रुपीज का नोट आप बच्चों के लिए सुधीर सर की तरफ से एक अच्छा सा गिफ्ट है। 500 कम हो गया ना, चलो बेटा बजट कम है अभी, बजट कम बजट में काम चला लो। तो ये 500 रुपीज का नोट सारे बच्चों के लिए सुधीर सर की तरफ से गिफ्ट। कैसे? सुनो सर, अगर जब भी S ऑर्बिटल दिखे सीधा सीधा आग बंद करके बोलना S ऑर्बिटल नेवर फॉर्म पाई बॉन्ड। बेटा S ऑर्बिटल कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बना सकता, याद रहेगा ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है।
अमंग द फॉलोइंग विच वन कैन नॉट फॉर्म द पाई बॉन्ड, बच्चे सोचते रहते हैं भाई ऑप्शन में सिर्फ एस एस स्टैंड फॉर सुधीर, सुधीर नहीं सर एस देखो स्पेरिकल वाला, जहां पर एस ऑर्बिटल दिखेगा वो पाई बॉन्ड नहीं बनाएगा, वो याद रखो। कदम वेरी गुड, ले लो स्क्रीनशॉट, एक्सेलेंट। अब आओ बेटा सेकंड पार्ट उसका, क्या है सेकंड पार्ट, सेकंड टाइप इज दैट कॉल्ड एज ए एसपी ओवरलैप। तो ये तो हो गई आपकी एसएस की, अब लिखो बेटा नंबर टू बी एसपी ओवरलैपिंग, अच्छी बात है बेटा। एस तो स्फेरिकल होता है, ये क्या है आपकी एस ऑर्बिटल क्योंकि गोल है, उसका न्यूक्लिया है बेटा। दूसरा पी ऑर्बिटल डम्बेल वाला, ये वाली कौन सी ऑर्बिटल है, पी की ऑर्बिटल जो कि डम्बेल है बेटा। इसको हो सकता है इसका इलेक्ट्रॉन ऐसे चला, इसका न्यूक्लियस यहां है तो इसका इलेक्ट्रॉन ऐसे रहेगा, अपवर्ड डाउनवर्ड ओवरलैपिंग करा लो, कर गए। और ये आपका ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल से बॉन्डिंग बन गई, ये न्यूक्लिया बेटा, ये एस और पी की बॉन्डिंग आ गई, और ये एस और पी से जो बॉन्ड आती है बेटा वो बॉन्डिंग होती है आपकी सिग्मा बॉन्ड। क्या होती है बेटा, सिग्मा बॉन्ड। सर इसकी एग्जाम्पल करेंगे बेटा, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, कंसेप्ट ही बहुत जबरदस्त कंसेप्ट है ये वाला, सुनो। एस और पी ऑर्बिटल मतलब हाइड्रोजन हैलाइड्स होते हैं बेटा। अब हाइड्रोजन हैलाइड मतलब ये हाइड्रोजन हो गया राइट, और ये हैलाइड हो गया एचएफ। तो एक काम करेंगे बेटा, मैं एचएफ की मॉलिक्यूल बनाना चाहूंगा। आप जानते हो एचएफ मॉलिक्यूल बनाने के लिए एक हाइड्रोजन एटम होता है, एक फ्लोरीन होता है, और दोनों के बीच में ओवरलैपिंग करा के आप एक एचएफ की ओवरलैपिंग बना के सिग्मा बॉन्ड तो दे सकते हो बेटा। हाइड्रोजन मतलब 1s1, फ्लोरीन मतलब 2pz1, अनपेड इलेक्ट्रॉन बेटा, फ्लोरीन का अनपेड 2pz में है, हाइड्रोजन का 1s1 में है। ये गोल है, स्फेरिकल है, +1/2, ये डंबेल है -1/2, ओवरलैपिंग करा लो बेटा। अभी ओवरलैपिंग होने से ये ऐसी कुछ बॉन्डिंग आ गई, और हम बोलेंगे ये है हमारा sp ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बन गया। आई होप आपको दिख रहा है, वेरी गुड बेटा। ये सब तो ठीक है, आपसे पूछा जाएगा किसकी ओवरलैपिंग अच्छी है। सर जिसकी ओवरलैपिंग अच्छी है उसकी बॉन्डिंग अच्छी होगी, हमने यही पढ़ा ना बेटा। क्या पढ़ा, जितनी अच्छी ओवरलैपिंग होगी एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। ये कंसेप्ट है भैया जो मैं इस छोटे से कंसेप्ट में आपको एक्सप्लेन कराने जा रहा हूं। जितना अच्छा एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होगी उतना अच्छा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा, जितना स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा उतना अच्छा स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड होगा। बेटा एक काम करो ना, मुझे ये बताओ, मैं अगर आपसे पूछूं ये हाइड्रोजन और फ्लोरीन की बॉन्डिंग करा लिए, फिर आपने हाइड्रोजन और थोड़ी जगह छोड़ के लिखेंगे भाई, फिर आप अब यहां पर हाइड्रोजन और फ्लोरीन से बॉन्डिंग बना लिए, फिर आपने यहाँ हाइड्रोजन और ब्रोमीन से बॉन्डिंग बना ली है, और फिर आपने हाइड्रोजन और आयोडीन से बॉन्डिंग बना ली है बेटा। अगर सब केसेस में आप ध्यान से देखो, ये हाइड्रोजन तो आपका 1s1 वाला है, 1s1 वाला है, 1s1 वाला है, 1s1 बेटा। ये 1s किससे ओवरलैपिंग कर रही, तो 2pz से ओवरलैपिंग कर रही बेटा। ये 1s किससे ओवरलैपिंग कर रहा, तो 3pz से कर रहा बेटा। ये 1s किससे ओवरलैपिंग कर रहा, तो बोला 4pz से कर रहा, और ये 1s किससे ओवरलैपिंग कर रहा, तो 5pz से ओवरलैपिंग कर रहा बेटा। एक चीज याद रखो, यहाँ पे ओवरलैपिंग का कंसेप्ट है, एक मैं बता रहा हूं एक्सपीरियंस है और कुछ नहीं। जितना ओवरलैपिंग की ऑर्बिटल, जिस दो ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग करा रहे हो बेटा, जिस ऑर्बिटल की साइज जितनी छोटी होगी उतना ओवरलैपिंग का एक्सटेंट ज्यादा होगा, उतना अच्छा ओवरलैपिंग होगा। जिसकी साइज जितनी छोटी है उतनी अच्छी ओवरलैपिंग होगी। अगर ऐसा नहीं चलो तो पहले कॉमन को उड़ा लो बेटा। कॉमन क्या है, 1s 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 1s, उड़ गया। अब आप n की वैल्यू चेक करो, यहां पर n की वैल्यू 2 है बेटा, 2p मतलब np है ना, 2p हो गया, ये 3p है, ये 3p है बेटा, देखो ये 3p है, ये क्या है बेटा 2p है, ये देखो 4p है, और ये क्या है 5p है बेटा। जितनी छोटी n की वैल्यू हो उतनी अच्छी एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होगी, और जितनी अच्छी एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग उतना स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। तो आपको दिख रहा n की वैल्यू क्या है, 2 3 4 5
बेटा जितनी छोटी एन की वैल्यू उतनी अच्छी ओवरलैपिंग होगी, और जितनी अच्छी ओवरलैपिंग होगी बॉन्ड उतना ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। तो अगर आपसे किसी ने पूछा भाई ये HF, ये HCl, ये HBr और ये HI, बेटा इनमें स्ट्रॉन्ग बॉन्ड किसका है, एक्चुअली सबके सब तो सिग्मा बॉन्ड ही है। हाँ भाई, लेकिन ये सारे सिग्माओं में मतलब ये सारे सिग्मा बॉन्ड्स में किसका स्ट्रॉन्गर सिग्मा बॉन्ड है? तो जिसकी ओवरलैपिंग अच्छी उसका स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। क्या बोलो बेटा? HF की स्ट्रॉन्गर, HF इज मोर स्ट्रॉन्गर देन HCl देन HBr देन HI। क्योंकि देखो N की वैल्यू जितनी छोटी उतना अच्छा ओवरलैप, क्योंकि N की वैल्यू 2 है, N की वैल्यू 3 है, N की वैल्यू 4 है, N की वैल्यू 5 है। जितनी छोटी N की वैल्यू उतना अच्छा ओवरलैप, और जितना अच्छा ओवरलैप बेटा उतनी स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। हम बोल सकते हैं सर HF विल फॉर्म द स्ट्रॉन्गर बॉन्ड देन दैट ऑफ HCl देन दैट ऑफ HBr देन दैट ऑफ HI। मतलब ये बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर है देन दैट ऑफ HI। मतलब अब मुझे बताओ बेटा HF टूटने से H+ आता और HI टूटने से भी H+ आता, लेकिन आपसे पूछा जाएगा इन दोनों से कौन सा बॉन्ड आसानी से टूटेगा, तो क्या बोलना बेटा? HI आसानी से टूटेगा। और आप जानते हो केमिस्ट्री में एक डेफिनेशन होती है भाई, जिसकी टेंडेंसी H+ देने की है वो एसिडिक नेचर है। तो सर ये भी बॉन्ड टूटेगा H+ देगा, ये भी बॉन्ड टूटेगा H+ देगा, लेकिन सबसे अच्छा H+ कौन देगा? HF देगा या HI देगा? भाई जिसका बॉन्ड आसानी से टूटेगा और वो H+ आसानी से देगा। तो किसका बॉन्ड आसानी से टूटेगा? सर HI का टूटेगा। बेटा जो बॉन्ड आसानी से टूटेगा H+ आसानी से देगा, उसकी एसिडिक नेचर ज्यादा, तो हम लिखेंगे HF इज लेस एसिडिक देन दैट ऑफ HCl देन दैट ऑफ HBr देन दैट ऑफ HI। मतलब हमारे HI की एसिडिक स्ट्रेंथ या एसिडिक नेचर ज्यादा है देन दैट ऑफ HF। आई होप ये छोटा सा ओवरलैपिंग था SOP का, उसमें से मैंने कंसेप्ट तो क्लियर करा दिया। क्या S स्पेरिकल होता है, गोल, P डंबल होता है दो लोग के साथ में, फिर ओवरलैपिंग करा के आपको S और P की सिग्मा बॉन्ड दे दिए। इसका एग्जांपल HF, HCl, HBr, HI सारे होते हैं। मैंने HF तो बता दिया और HF में आपने देख भी लिया कि सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है। लेकिन हो सकता है भाई HF का आए, HCl का दे, HBr का दे, HI का दे, सारे सिग्मा बॉन्डो में सबके सब बॉन्ड सिग्मा ही है भाई, सबके सब बॉन्ड ही क्या है? सिग्मा ही है। सर इन सारे सिग्मा बॉन्ड में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा है? तो बोलना HF। मतलब वीक बॉन्ड कौन सा है? HI। मतलब विच कैन गैप प्रोवाइड द H+ आयन इजीली? HI। मतलब HI की एसिडिक नेचर ज्यादा है, राइट? लिख लो बेटा, इसे स्क्रीनशॉट ले लो, राइट? ये सब चीजें बेटा जो बता रहा हूं मैं, मोर बॉन्ड एनर्जी है ना, HI एसिडिक नेचर, बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा किसकी कम, तो अगर आपको इसी में पूछेगा किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा, तो क्या बोलो बेटा? जिसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा बॉन्ड लेंथ कम। ये रूल है। अगर आप जानते होंगे जितनी अच्छी और जितनी ज्यादा बॉन्ड की एनर्जी होगी उतना कम बॉन्ड का लेंथ होगा, बिकॉज बॉन्ड लेंथ और आपका बॉन्ड एनर्जी हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब अगर मैं पूछूं बॉन्ड लेंथ के बारे में HCl, HBr, HI और HF, सर इनमें सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी है, लार्जर बॉन्ड लेंथ किसकी है, तो बोलो HI की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा है देन दैट ऑफ HBr, HCl, HF, ये बॉन्ड लेंथ ज्यादा है। ले लो बेटा स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो आपने ओवरलैपिंग SS भी देखा, ओवरलैपिंग SP भी देखा, अब तीसरी टाइप आती है दैट विल बी कॉल्ड एज ए PP ओवरलैपिंग, राइट बेटा? चलो ये हो गया एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप, स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड, बॉन्ड एनर्जी, एसिडिक नेचर, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड लेंथ, ये सारा कंसेप्ट हो गया। अब आएगा टाइप 3 सर, कॉल्ड एज ए PP ओवरलैपिंग, वेरी गुड बेटा। ये जो PP ओवरलैपिंग देख रहे हो ना आप, ये एक्सियल ओवरलैपिंग देख रहे हो। अब एक्सियल या तो एक्सियल ओवरलैपिंग क्या होगी, लेटरल क्या होगी, थोड़ा उसके बारे में सीखो आप। सुनो बेटा ये जो ऑर्बिटल होती है ना, ये ऐसे ऑन द एक्सिस होती है, मतलब ये जो दिख रहा है ना, ये ऐसा और ये ऐसा, इसको केमिस्ट्री में ये जो लाइन है ना, ऐसे आड़ी लाइन, इसको हमारा NCERT बोलता है कि भाई इसको आप जेड एक्सिस समझ के चलो,
जब भी ऐसा कोई ऑर्बिटल आपको दिखे तो बोलना ये ऑर्बिटल पी का ऑर्बिटल कौन सी एक्सिस में है, जेड एक्सिस में। आप बोलोगे नहीं सर मैं इसको एक्स लेना चाहता हूं तो गलत हो जाएगा। एनसीईआरटी बोलता है वही फॉलो करो बेटा, एनसीईआरटी के बाहर मत जाओ। तो एनसीईआरटी बोला जेड एक्सिस ले लिया, मतलब ये जो आड़ी लाइन जो दिख रही है ना बेटा, ये आड़ी लाइन, इस आड़ी लाइन को हम बोलते हैं इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। क्या बोलेंगे बेटा, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, मतलब ये जो ओवरलैपिंग करने का तरीका ना ऐसे 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 ऐसे, इस ओवरलैपिंग के तरीको हम बोलेंगे बेटा एक्सियल ओवरलैपिंग। क्या बोलेंगे बेटा, एक्सियल ओवरलैपिंग बोलेंगे। और हम बात भी कर रहे हैं किसकी बेटा, एक्सियल ओवरलैपिंग की बात कर रहे हैं। तो अभी भी मैंने बताया ना दो टाइप के थे, एक्सियल था और एक लैटरल। तो अगर आपसे पूछा जाए भाई लैटरल ओवरलैपिंग क्या होती है, तो बेटा लैटरल ओवरलैपिंग में साइड से साइड ओवरलैप करते हैं। कैसे, ये एक ओवरलैपिंग, ये वाला एटॉमिक ऑर्बिटल है, आप इसकी मर्जी बेटा इसको आप वाई ले लो या एक्स मर्जी, दूसरा वाला भी सेम ओरिएंटेशन में हो, सेम ओरिएंटेशन में हो और वाई एक्सिस से ही हो बेटा, वाई की वाई इस तरह की ओवरलैपिंग होती है ना वो लैटरल होती है। तो ये लैटरल ओवरलैप होगा और ये एक आने वाला दूसरा आने वाला एक्सियल होगा, राइट। तो हम बात कर रहे हैं बेटा एक्सियल ओवरलैपिंग मतलब इसकी, तो हम इसके बारे में बात करेंगे। और हमेशा एक्सियल ओवरलैपिंग से आपको जो बॉन्ड मिलता है, क्या बॉन्ड मिलता है बेटा, सिग्मा बॉन्ड, हमेशा जो मिलता है क्या मिलेगा, सिग्मा। तो पीपी ओवरलैपिंग देखो बेटा, पी ऑर्बिटल ये रहा राइट, ये प्लस वन बाय टू, ये पी ऑर्बिटल माइनस वन बाय टू बेटा, ये भी पी ऑर्बिटल है और ये भी आपका पी ऑर्बिटल है भाई। दो दो पी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग करा लो तो क्या आएगा, एंड टू एंड ओवरलैपिंग आएंगे राइट। ये आगे प्लस वन बाय टू माइनस वन बाय टू ओवरलैपिंग होगी पीपी की, बॉन्ड क्या बन गया, द बॉन्ड इज कॉल्ड एज ए सिग्मा बॉन्ड। और ये जो ओवरलैपिंग ऐसी कर रही है ना बेटा, इस ओवरलैपिंग को आपने क्या बोलना है, एंड टू एंड ओवरलैप, ठीक है बेटा, हेड ऑन, ऐसे ऐसे हेड ऑन, एंड टू एंड एक्सियल हेड ऑन ओवरलैप और बॉन्ड जो बना सिग्मा। इसका एग्जांपल देखो भाई, क्लोरीन मॉलिक्यूल कैसे बना होगा बेटा, एक सीएल दूसरे सीएल से जुड़ गया और सीएल सीएल की मॉलिक्यूल दे गया। इसकी अनपेड इलेक्ट्रॉन 3pz में होती है, इसका भी अनपेड इलेक्ट्रॉन 3pz में है। 3pz ऐसे लिया जाता है, मैंने बताया था ना ये जेड की एक्सिस अनपेड इलेक्ट्रॉन बेटा, दूसरा ये जेड की एक्सिस अनपेड इलेक्ट्रॉन बेटा, ये माइनस वन बाय टू प्लस वन बाय टू दोनों की ओवरलैपिंग करा लो, और दोनों की ओवरलैपिंग कराने से इस तरह से बॉन्ड मिल गया। हम बोलेंगे सर ये बॉन्ड जो बना ये हमारा पीपी ओवरलैपिंग से बना, और जो बॉन्ड बनेगा बेटा दैट बॉन्ड इज कॉल्ड एज ए सिग्मा बॉन्ड, बॉन्ड इज कॉल्ड एज ए व्हाट, सिग्मा बॉन्ड। इज इट क्लियर। तो ये था बेटा अपना एक्सियल ओवरलैपिंग के थ्री टाइप्स, ठीक है। अब देखो मैं आपको एक चीज यहां सिखा दूं, क्या सिखा रहा हूं सुनो। अगर आपसे पूछा जाए सर इस एक्सियल ओवरलैपिंग के तीन टाइप में किसकी एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग सबसे अच्छी है, तो याद रखो बेटा एक्सियल ओवरलैपिंग में अगर आपसे पूछा जाए एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग सबसे अच्छा किसकी है, तो आपको यही मालूम होना चाहिए बेटा जहां पर पी ऑर्बिटल आएगा उसकी ओवरलैपिंग ज्यादा होगी देन द एसपी और देन द एसएस, क्योंकि आपको मालूम है स्पेरिकल जो होते हैं वो कभी भी एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप पूरी तरह से नहीं कर पाते, जब जुड़ जाते हैं। लेकिन पी बेटा आप देखो उसका स्ट्रक्चर कैसा है, डंबेल है, डंबेल मतलब वो ज्यादा डिफ्यूज है भाई, ज्यादा डिफ्यूज है, तो ये वाला लोब दूसरे लोब को ऐसा टच नहीं करेगा, पूरी ओवरलैपिंग करा लेगा लेकिन बाकी के तो बाहर रखेगा। तो सबसे ज्यादा एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग पीपी में होती है देन एसपी देन एसएस, इट इज द ऑर्डर ऑफ एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। और सर इन सबसे बनने वाला जो सिग्मा बॉन्ड होगा, इससे बनेगा बॉन्ड सिग्मा, इससे भी बनेगा बॉन्ड सिग्मा और इससे भी बनेगा बॉन्ड सिग्मा बेटा, ये वाला सिग्मा बॉन्ड मोर स्ट्रॉन्गर होगा क्योंकि आपको दिख रहा है जितनी अच्छी ओवरलैपिंग उतना स्ट्रॉन्गर सिग्मा बॉन्ड। और इस एसएस से ओवरलैपिंग से बनने वाला सिग्मा ये आपका वीकर बॉन्ड होगा, क्यों, क्योंकि इसकी ओवरलैपिंग ज्यादा नहीं हुई है। वही तो कंसेप्ट तब से पढ़ाते जा रहा हूं, जितनी अच्छी एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होगी उतना स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा, और वही होगा बेटा एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड। भाई स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड मतलब सिग्मा की बात करो तो सिग्मा,
पाई की बात करो तो पाई में भी देखा जाएगा। तो अमंग ऑल द थ्री सिग्मास विच सिग्मा इज अ स्ट्रॉन्गर सिग्मा बॉन्ड, द सिग्मा बॉन्ड फॉर्म ड्यू टू पीपी ओवरलैपिंग इज ए मोर स्ट्रॉन्गर देन द सिग्मा बॉन्ड फॉर्म ड्यू टू एसएस ओवरलैपिंग। आई होप आपको समझ में आ रहा है बेटा ये। चलो ले लो इसको स्क्रीनशॉट में उतार लो। चलो आगे चलेंगे। अब आएगा बेटा सेकंड टाइम हमारा एक्सियल के बाद में आएगा, दैट इज ए लैटरल ओवरलैप। हाँ बेटा हमने एक्सियल एंड ऑन तो पढ़ लिए, अब सेकंड पार्ट पढ़ेंगे हम लोग लैटरल ओवरलैप वो क्या होता है। सुनो बेटा सेकंड टाइम विच वन आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू दैट विल बी कॉल्ड एज ए लैटरल ओवरलैप। बेटा लैटरल ओवरलैप मतलब क्या होता है, साइड वाइज ओवरलैप। और हमेशा याद रखो सर, जब भी लैटरल या साइड वाइज ओवरलैप की बात करोगे तो इससे हमेशा बॉन्ड जो मिलेगा वो मिलेगा आपका पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन वाला कंसेप्ट है। अब यहां पर भी देखो तीन टाइप्स के आते हैं बेटा। पहला वाला आएगा पीपी ओवरलैपिंग, दैट इज पीपी पाई बॉन्ड, जो पहली वाली है ये है पीपी लैटरल ओवरलैप। पीपी की लैटरल ओवरलैप देखेंगे कैसे होते हैं। देखो बेटा पीपी की लैटरल ओवरलैप बताने के लिए मुझे ये पी का ऑर्बिटल है बेटा, प्लस ये भी पी का ऑर्बिटल है। लेट अस से ये जो एक्सिस मैंने बनाया है, हो सकता बेटा ये वाई एक्सिस वाले केस हो, और हो सकता है ये ऐसे बना रहा हूं मैं, ये आपकी एक्स एक्सिस के केसेस हो बेटा। हाँ बेटा ये आपके एक्स एक्सिस के केसेस हो। बेटा वाई एक्सिस का अनपेड ये वाला और ये वाई एक्सिस का अनपेड ये वाला, इनकी लैटरल ओवरलैपिंग जब होती है तो देखो बेटा ये जो डॉटेड लाइन मैं बनाने जा रहा हूं, दिस डॉटेड लाइन इज कॉल्ड एज ए इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। तो बेटा ये वाला एटॉमिक ऑर्बिटल इस एटॉमिक ऑर्बिटल से ऐसे जुड़ गया, तो आपको ये जो दिख रहा है ना ये वाला और ये वाला, दिस इज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज देयर, और हम बोलते हैं दिस बॉन्ड इज कॉल्ड एज ए व्हाट बेटा पाई बॉन्ड। आप दो पाई बॉन्ड नहीं बोलना, इसको और इसको मिला के एक पाई बॉन्ड बनता है। इसके बारे में थोड़ा बाद में बात करेंगे, इसी को पूरी तरह से समझेंगे। बेटा हो सकता है ये ओवरलैपिंग से ऐसा आया हो सकता है ये जो आप दिखा रहे हो ना इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, हो सकता है इसको आप ऐसा भी दिखा सकते हो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, और उसके ऊपर में एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड है बेटा, ये जो दिख रहा है ना ये एक इलेक्ट्रॉन की क्लाउड है, और ये नीचे में भी एक इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है। देखो बेटा इलेक्ट्रॉन क्लाउड अबो द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, इलेक्ट्रॉन क्लाउड बिलो द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, और ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो दिख रहा है आपको बेटा, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड मतलब ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है, मतलब ये वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अबो द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस और ये वाली इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बिलो द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, मतलब ये दोनों मिला के आपका एक पाई बॉन्ड बनाता है। क्या बनाएगा बेटा, ये मिला के आपका एक पाई बॉन्ड बनाता है, या तो ये हो गया बेटा या तो ये हो गया, राइट। किसी किसी बुक में इन दोनों के अलावा तीसरी पॉसिबिलिटी भी दिखाते हैं, वो क्या है सुनो, ये आपकी इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है राइट बेटा, और ये आपका एक पी ऑर्बिटल जो आपके एक्स एक्सिस में है, और ये वाली पी ऑर्बिटल एक्स एक्सिस में। इसको दिखाने का तरीका ऐसा भी है और ये ऐसा है, दिख रहा है बेटा, ये ऐसी ओवरलैपिंग कर लिया ऐसी, तो मिला के जो मिला वो आपका क्या होगा बेटा, दैट विल बी कॉल्ड एज ए पाई बॉन्ड। तो आपके जो दो एटॉमिक ऑर्बिटल साइडवाइज इस तरह से ओवरलैपिंग कराते हैं, लैटरल ओवरलैपिंग कराते हैं, तो लैटरल ओवरलैपिंग की पॉसिबिलिटी ऐसी भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है और ऐसी भी हो सकती है, जिससे मिलेगा पाई बॉन्ड। तो बेटा अब जरूरी नहीं आपने इसको वाई लिया, आप इसको वाई के जगह एक्स ले सकते हो, तो ये भी एक्स एक्स की ओवरलैपिंग होगी और ऐसा आएगा। लेकिन कभी भी ऐसा मत करना सर मैंने इसको y ले लिया और दूसरा वाला मैंने इसको x ले लिया और इसके प्लस प्लस वन बाय टू, इसके बाद माइनस वन बाय टू ओवरलैपिंग करेगी, तो बोलना नो बॉन्ड फॉर्म। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कंडीशंस बेटा, कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे को ओवरलैपिंग करेंगे जिनकी ओरिएंटेशन प्रॉपर हो, मतलब ये वाला एक y है तो ये वाला भी y हो जुड़ेगा, ये वाला x है, ये वाला x है तो जुड़ेगा भाई, ये वाला y है और ये वाला ऐसा x है, तो ये कभी भी ओवरलैपिंग पूरी तरह से नहीं कर पाएगा और उसके कारण वो प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं समझी जाती है। तो बेटा x और y की ओवरलैपिंग प्रॉपर नहीं है,
तो हम बोलेंगे नो प्रॉपर ओरिएंटेशन। तो सर नो प्रॉपर ओरिएंटेशन इसका मतलब नो बॉन्ड फॉर्मेशन। यहां पर देखो एक्स एक्स वाई वाई, हम बोलेंगे सर ये ओरिएंटेशन कैसी है, तो प्रॉपर ओरिएंटेशन है, और प्रॉपर ओरिएंटेशन है मतलब इनसे बनने वाला बॉन्ड हमारा पाई बॉन्ड होगा। आई होप बेटा आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, वेरी गुड, बना लो। अब इसके बाद ये जो पीपी लेटर ओवरलैप दिखा है बेटा, और एक आएगा सेकंड वन कॉल्ड एज ए पी डी पाई बॉन्ड, ये भी पॉसिबल होती है। हाँ बेटा, एक तो आपने एस एस देखा, पीपी देखा और एस पी देखा, राइट, वही देखे ना आपने। अब लेटर ओवरलैपिंग की जो टाइप है जिसमें हमने पीपी पाई बॉन्ड देखा है, ये वाला हेडिंग तो वही है बेटा, सॉरी मैंने मिटा दिया बेटा, बात तो वही है कि लैटरल ओवरलैपिंग वाली चल रही है, और लैटरल ओवरलैपिंग से बनने वाला बॉन्ड होगा आपका पाई बॉन्ड, जिसमें आपने फर्स्ट वन देखा है पीपी ओवरलैपिंग। सेकंड वन देखो बेटा पीडी से बनने वाला पाई बॉन्ड, पीडी लैटरल ओवरलैप, पीडी लैटरल ओवरलैप, इससे भी बनने वाला बॉन्ड आपका पाई बॉन्ड होगा। कैसे देखो, ये आपकी पी ऑर्बिटल है, दिख भी रहा, अच्छी बात है सर बेटा। डी ऑर्बिटल बच्चा बच्चा जानता है, डी ऑर्बिटल के पास चार लोब्स होते हैं, है ना बेटा, प्लस माइनस और माइनस प्लस। फिलहाल में साइन को बाजू में रखो भाई, फिलहाल में साइन को बाजू में रखो। तो इसका प्लस वन बाई टू होगा, इसका माइनस वन बाई टू होगा, ये पी ऑर्बिटल है तो ये डी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल और पी की ओवरलैपिंग करा लो। देखो बेटा ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है, डी ऑर्बिटल राइट, पी से ओवरलैपिंग करा रही है सर, मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है पर मैं कोशिश कर रहा हूं आप बच्चों को कुछ ना कुछ चीजें समझ में आए, राइट। हो सकता है बेटा ये ऐसे, अरे यार फिर घूम गया, ये ऐसे और ये ऐसे, अब ठीक है, ठीक है सर। हाँ बेटा, तो ये जो दिख रहा है ना, ये पी ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग हो गई यहां, ये पी और डी की ओवरलैपिंग हो गई यहां, मतलब इससे जो मिला बेटा वो बॉन्ड कॉल्ड एज ए बॉन्ड पाई बॉन्ड। तो ये पाई बॉन्ड कैसे मिला सर, पी और डी की ओवरलैपिंग से मिला द बॉन्ड कॉल्ड एज ए पाई बॉन्ड, राइट। बना लो इसे, बना लो बेटा, अच्छे अच्छे कंसेप्ट है, डोंट वरी अबाउट दैट, मैं आपको बता दूंगा बेटा। अब दूसरा होता है डी डी, डी और डी की ओवरलैपिंग, लैटरल ओवरलैप डी डी से कराना है और उससे भी पाई बॉन्ड मिलते हैं, तो थर्ड वन इज कॉल्ड एज ए डी डी लैटरल ओवरलैप, उससे भी पाई बॉन्ड मिलता है। तो देखो बेटा डी ऑर्बिटल मतलब हो सकता है ये एक डी ऑर्बिटल आ जाए, दूसरा, अरे यार बेटा दूसरा ये वाला डी ऑर्बिटल आ जाए, प्लस वन बाई टू माइनस वन बाई टू, ओवरलैपिंग लेटरल हो रही है, ओरिएंटेशन भी प्रॉपर ही है भाई। तो इस केस में इंटरन्यूक्लियर एक्सिस तो ये है, ठीक है ना, दिख रहा है बेटा, ये वाला एक पाय, मतलब ये और ये मिला के एक पाय बॉन्ड है, ऐसा मत बोलो कि ये एक पाय ना, ये और ये, तो ये ओवरलैपिंग डी और ये भी डी से मिलके जो मिला है पाई बॉन्ड। अब आपने क्या देखा है बेटा, पाई बॉन्ड के तीन टाइप देखे थे, कौन से, पीपी से बनने वाला पाई बॉन्ड, डी और पी या पी और डी से बनने वाला पाई बॉन्ड, तीसरा वाला डी और डी से बनने वाला पाई बॉन्ड। बेटा आपसे पूछा जाएगा सर किसकी एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग सबसे जबरदस्त है, तो बोलना सुधीर सर ने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाया वो सबसे जबरदस्त है, सॉरी बेटा मैं डीपी का कुछ भी बोल देता हूं, पीपी की ओवरलैपिंग, डीपी की ओवरलैपिंग और डीडी की ओवरलैपिंग की अगर बात करो तो सबसे जबरदस्त और एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग पीपी में देखा गया है, देन द डीपी, देन द डीडी, मतलब इससे बनने वाला जो पाई बॉन्ड होगा वो थोड़ा स्ट्रांग होगा और इससे बनने वाला जो पाई बॉन्ड होगा वो एक्चुअली वीक होगा। एक्चुअली देखा जाए ना बेटा सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में सिग्मा स्ट्रांग होता है, पाई वीक होता है, लेकिन अगर सारे सिग्मास में देखो
तो पीपी से बनने वाला सिग्मा स्ट्रॉन्गर माना गया है, और सारे पाई में देखो बेटा पीपी से बनने वाला पाई बॉन्ड स्ट्रॉन्ग माना गया है, क्योंकि वहां पर जिस तरह से पीपी की ओवरलैपिंग हो रही थी उसमें एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा थी देन द पीडी देन द डीडी। देखो बेटा डी के चार और चार आठ लोब में सिर्फ दो दो लोब ही ओवरलैप कर गए, बाकी तो दो और दो चार छुट गए ना, लेकिन पीपी में थे कितने, इसके दो लोब और दोनों के दोनों लोब ओवरलैपिंग कर गए। बेटा थे पी ऑर्बिटल में दो और दो चार लोब, तो दोनों के दोनों लोब ओवरलैपिंग कर गए, कुछ भी नहीं बचा। पी और डी में देखो डी के दो लोब बाकी खाली रह गए, और डी और डी में डी के चार लोब खाली रह गए। भाई जितने लोब खाली रहेंगे मतलब उतनी एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग वीक हो, मतलब कम होगी, मतलब उससे बनने वाला पाई बॉन्ड वीक माना गया है। तो बेटा पीपी पाई डीपी पाई और डीडी पाई में पीपी पाई बॉन्ड स्ट्रांग है, पीपी सिग्मा एसपी सिग्मा और एसएस सिग्मा में पीपी सिग्मा सबसे ज्यादा स्ट्रांगर होता है, राइट। लिख लो बेटा इसे, तो अब ये जो हमने कंसेप्ट किया बेटा, इस कंसेप्ट में एक चीज तो सीखने में आ गई क्या, कि सब बनने वाला जो सिग्मा बॉन्ड था पाई बॉन्ड था, राइट, सिग्मा बॉन्ड तो साइड वाइज एक्सियल से बना, हेड ऑन से बना, पाई जो बना वो लैटरल से बना, तो सर ये जो सिग्मा बनते हैं पाई बॉन्ड होते हैं ये क्या होते हैं, तो थोड़े से बात सीखो बेटा। अगर किसी भी मॉलिक्यूल में आपके पास सिंगल बॉन्ड दिख जाए तो आपने बोलना सिंगल बॉन्ड मतलब वो सिर्फ सिग्मा बॉन्ड हो सकता है। बेटा किसी भी मॉलिक्यूल में मल्टीपल बॉन्ड आ जाए, मल्टीपल बॉन्ड्स आ जाए, बेटा मल्टीपल बॉन्ड मतलब दो एटम के बीच में टू बॉन्ड्स हो सकते हैं या दो एटम के बीच में तीन बॉन्ड्स हो सकते हैं। हाँ बेटा, दो एटम के बीच में या तो एक बॉन्ड सिंगल बॉन्ड तो सिग्मा ही होगा, मल्टीपल मतलब दो एटम के बीच में या तो दो बॉन्ड या तो तीन बॉन्ड, चार बॉन्ड कभी नहीं होंगे सर। बेटा दो बॉन्ड का मतलब होता है ए और ये, मतलब एक बॉन्ड सिग्मा तो एक बॉन्ड पाए। मल्टीपल बॉन्ड थ्री बॉन्ड मतलब दो आइटम के बीच में तीन बॉन्ड हो सकते हैं, भाई एक सिग्मा तो दो पाए। सर इसका अच्छा सा एग्जांपल O2 का मॉलिक्यूल है, आप जानते हो OO में एक बॉन्ड सिग्मा तो एक बॉन्ड पाए, और ये मल्टीपल बॉन्डिंग तीन बॉन्ड की बात कर रहा है, तो ये बॉन्ड है बेटा नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल जिसमें आप जानते हो एक बॉन्ड सिग्मा तो बाकी दो बॉन्ड क्या है पाए, ये मल्टीपल बॉन्ड है। लेकिन बेटा ये अच्छा सा एग्जांपल है कि H2O मॉलिक्यूल डज नॉट कंटेन मल्टीपल बॉन्ड, याद रखो डज नॉट कंटेन्स मल्टीपल बॉन्ड। आप बच्चे लोग बोलते हो सर H2O मॉलिक्यूल में तो दो बॉन्ड है, हाँ बेटा ये दो बॉन्ड है लेकिन दो एटम के बीच में एक ही बॉन्ड है, दो एटम के बीच में एक ही बॉन्ड है, याद देखो बेटा दो एटम के बीच में तीन बॉन्ड है मल्टीपल है, दो एटम के बीच में दो बॉन्ड है मल्टीपल है। बेटा दो एटम के बीच में एक ही बॉन्ड है, ये मल्टीपल नहीं है अकेला सिग्मा। तो मल्टीपल का मतलब क्या होता है बेटा, दो एटम्स के बीच में एक से ज्यादा बॉन्ड आ जाए वो मल्टीपल है, तो मल्टीपल क्या हो सकते हैं, इट मे बी डबल बॉन्ड इट मे बी ट्रिपल बॉन्ड। देखो बेटा लेकिन H2O में दो एटम में बीच में एक बॉन्ड है तो सिग्मा सिग्मा। उसी तरह से आप अमोनिया की मॉलिक्यूल ले लो बेटा, इस अमोनिया के मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन के पास तीन बॉन्ड है और ये मल्टीपल नहीं है, क्यों, दो आइटम के बीच में एक ही बॉन्ड है सर, तो ये भी सिग्मा ये भी सिग्मा और ये भी सिग्मा। इज इट क्लियर बेटा, ठीक बना लो इसे, वेरी गुड। अब थोड़ा सा एक काम करेंगे, ये जो मल्टीपल बॉन्ड में आपने बोला इसमें एक सिग्मा एक पाई, इसमें नाइट्रोजन में एक सिग्मा दो पाई, सर अगर इसको हमको बताना है तो कैसे बताएंगे, हाँ भाई वो भी तो सिखा देंगे, छोड़ेंगे कुछ भी नहीं बेटा, एवरीथिंग आई विल टीच यू, पूरा डिटेल थ्योरी पढ़ेंगे बीबीटी अंकल की, मतलब पॉलिंग एंड स्लेटर अंकल की। हमसे पूछा गया O2 का मॉलिक्यूल बना के दो, तो आप जानते हो ऑक्सीजन की एटॉमिक नंबर 8 है, कॉन्फ़िगरेशन उसकी हीलियम 2s2 है ना बेटा, 1s2 2s2 और 2p4a 4 2 6 2 8, तो 2s के ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन अच्छी बात है, 2p के ऑर्बिटल में चार इलेक्ट्रॉन वो भी सही बात है, 1 2 3 4 बेटा ये अनपेड ही अनपेड। अब ये दो एक ऑक्सीजन में दो अनपेड है तो पक्का इसको उठा लो बेटा, एज ए 2pz पे लगा दो, इसको 2px पे लगा दो। अब एक ऑक्सीजन का 2pz बनाओ भाई,
ये ऑक्सीजन का क्या है, 2PZ है। दूसरा ऑक्सीजन का भी क्या करो, 2PZ होगा। क्या बॉन्ड मिला, सिग्मा बॉन्ड मिल गया। फिर 2PX है बेटा, मैं थोड़े देर के लिए ये 2PX लेके चलता हूं, मेरी मर्जी, 2PY भी बोल सकता हूं, और ये ऑक्सीजन की बेटा मैं 2PX लेके चलता हूं। इसका अनपेड +1/2, इसका अनपेड इलेक्ट्रॉन -1/2। आपने ये तो सीखा ना, ये बॉन्ड क्या हो गया, ऐसा ये और ये ओवरलैपिंग करके एक ही पाई बॉन्ड बना लिया। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड हम ऐसा ड्रॉ करते हैं। आई होप आपको मालूम है बेटा, ये सिग्मा और ये पाई बॉन्ड बन गया O2 के मॉलिक्यूल का। ले लो बेटा स्क्रीनशॉट, वेरी गुड। अब आपसे पूछा जाएगा N2 मॉलिक्यूल कैसे दिखता है सर। हाँ बेटा, एग्जाम्पल N2 मॉलिक्यूल का ही बताना था, पर पहले मुझे O2 कराना था। अब मुझसे पूछा गया N2 मॉलिक्यूल की बॉन्डिंग बनाओ, तो बेटा हम एक काम करेंगे, नाइट्रोजन की एटॉमिक नंबर 7 है, तो आप जानते हो 1s2 आएगा, 2s2 आएगा, 2p3 आएगा। 2s2 का लोन पेयर बाजू में और 2p3 का अनपेड ऐसे 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 करा लो। तो नाइट्रोजन में तीन अनपेड उसके 2p में आ रहे, तो भाई ये 2px लगा दो, 2py लगा दो, 2pz लगा दो। और एनसीईआरटी साहब ने क्या बोला था, आप pz को क्या लो बेटा, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। तो ये रहा आपका आपका 2pz नाइट्रोजन का अनपेड। दूसरे नाइट्रोजन का बेटा ये रहा 2pz और इससे मिलने वाला बॉन्ड सिग्मा। अब 2py भी है, 2px भी है, तो भाई ऐसे करो ना, ये आपका 2py ले लो बेटा, ये भी आपका 2py ले लो, ये अनपेड और ये अनपेड, ये बना बॉन्ड सही है, और ये बना बॉन्ड, ये और ये मिलके आपका एक पाई बॉन्ड बन गया, राइट सर। अब बात आती है बेटा 2px की, राइट। 2px पे काम कर सकते हैं हम लोग, थोड़ा कलर चेंज करके बना के कोशिश करेंगे, आई डोंट नो, थोड़ा कोशिश करेंगे बेटा कलर चेंज करके, हो सकता है क्लैरिटी आ जाएगा बच्चों को, या तो कंफ्यूजन हो जाता है, सॉरी। अब ये 2px को रेड कलर में ले रहा हूं सर, दिख रहा है 2px, अच्छी बात है, उसका अनपेड ओरिएंटेशन सेम हो बेटा, ये रहा 2px, ये डाउनवर्ड है, ये अपवर्ड था, तो ये डाउनवर्ड करा लो, राइट, ये डाउनवर्ड है, मतलब ये भी आपका 2px ही है बेटा, हटा दो। अब देखो ये वाला इससे ओवरलैपिंग करा, ये वाला इससे ओवरलैपिंग करा, मतलब ये भी आपका पाई बॉन्ड बन गया। तो बोलो बेटा ये आपका नाइट्रोजन का एटम था, ये भी आपका नाइट्रोजन का एटम था, इन दोनों में क्या बना, पहला सिग्मा। सिग्मा बनने के बाद बनते हैं पाई बॉन्ड्स, मतलब ये बॉन्ड तो, और ये पॉइंट तो और भी क्लियर हो गया। व्हाट इज दैट कि बेटा ये जो नाइट्रोजन एटम था, पहला तो बॉन्ड उसने सिग्मा बनाया, बाकी के लेटर ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बना लिया। सो इट इज अ फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड इन द N2 मॉलिक्यूल। लेकिन दो एटम के बीच में मल्टीपल बॉन्ड ये है, वो अमोनिया में एक नाइट्रोजन में तीन बॉन्ड है, लेकिन दो एटम के बीच में देखो तो एक सिग्मा एक सिग्मा एक सिग्मा आएगा अमोनिया के मॉलिक्यूल में। N2 में भाई दो एटम में ही मल्टीपल बॉन्ड आ गए, तो जहां भी मल्टीपल बॉन्ड होगा वहां पहला सिग्मा बनता है, उसके बाद में बनते हैं बेटा पाई बॉन्ड, राइट। ले लो स्क्रीनशॉट इसका भी, वेरी गुड। सर समझ में आ रहा है सर, अच्छी बात है बेटा। अब ये सिग्मा बॉन्ड हो गया, ये पाई बॉन्ड हो गया। अब मैं एक काम करूंगा बेटा, इसमें थोड़े से डिफरेंसेस बताऊंगा आपको, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के डिफरेंसेस क्या होते हैं और ये मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं उसके बारे में बात करेंगे। लेट अस कम विद द टॉपिक नाउ। ये एक्चुअली VBT है बेटा जो हमने अब तक पढ़ लिया, और VBT में अभी थोड़ा सा जो हमने पढ़ा वो फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड के बारे में बात की है। अब ये थोड़ा और जाएंगे आगे कि सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, डिफरेंस क्या होते हैं। बड़ा सिंपल है थ्योरी है बेटा, ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट की नहीं है। तो पहली तो आप यही लिख दो, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में सबसे पहले यही लिखा जाता है,
सर इसमें एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग अच्छी है तो ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, इसमें एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग अच्छी नहीं है तो ये वीक बॉन्ड है, राइट बेटा? सबसे पहले आपको यही लिखना है, सर सिग्मा बॉन्ड किससे बनते हैं? तो बोलना एक्सियल ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं उससे सिग्मा बनते हैं, मतलब एस एस से सिग्मा बनेगा, एसपी से सिग्मा बनेगा और पीपी से भी सिग्मा बनते हैं। सर पाई बॉन्ड किससे बनते हैं? तो आप बोलना लैटरल ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, है ना, लैटरल ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स कैन फॉर्म पाई बॉन्ड। लेकिन आपने देखे पाई बॉन्ड के भी तीन टाइप थे बेटा, कौन सा, पीपी का पाई बॉन्ड, पीडी का पाई बॉन्ड और डीडी का पाई बॉन्ड, तीन पाई बॉन्ड्स आई गए इसमें भी। अगर आप बॉन्ड एनर्जी की बात करो ना बेटा, इसकी इसकी जो सिग्मा बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी होती है या तो 80 या 80 किलो कैलोरी पर मोल से बढ़ के होती है, लेकिन अगर पाई बॉन्ड की बात करो ना बेटा तो इसकी बॉन्ड एनर्जी आसपास 65-65 किलो कैलोरी पर मोल के हिसाब से आती है। मतलब ये तो क्लियर है, इसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा, इसकी बॉन्ड एनर्जी कम, मतलब ये कैसा बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, और ये कैसा बॉन्ड है बेटा, वीक बॉन्ड आ गया, राइट बेटा? कभी भी है ना, ओनली वन सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन द टू एटम, लेकिन अगर पाई बॉन्ड की करो तो वन और टू पाई बॉन्ड कैन बी फॉर्म बिटवीन द टू एटम। इसमें ऐसा लिख सकते हो, ओनली वन सिग्मा बॉन्ड कैन बी फॉर्म बिटवीन टू एटम्स, मतलब कोई भी दो एटम के बीच में एक ही सिग्मा बन सकता है, कभी दो सिग्मा नहीं बनते। लेकिन इसकी बात करो, वन और टू पाई बॉन्ड्स कैन बी फॉर्म बिटवीन टू एटम्स। हाँ बेटा, या तो एक या तो दो पाई बॉन्ड दो एटम के बीच में बन सकते हैं, तीन पाई बॉन्ड नहीं बनते, राइट? वो कंसेप्ट अलग है, एमओटी में आना पड़ता है बेटा। कभी भी सिग्मा बॉन्ड की बात करो तो सिग्मा बॉन्ड है ना, सिग्मा बॉन्ड कैन बी फॉर्म अलोन बट पाई बॉन्ड कैन बी फॉर्म विथ ए सिग्मा बॉन्ड। तो यहां पर एक पॉइंट और जोड़ सकते हैं, यहां पे एक पॉइंट और जोड़ सकते हैं बेटा, कैसे? पॉइंट नंबर 5 लिख रहा हो, सिग्मा बॉन्ड कैन बी फॉर्म अलोन, ये अकेला बन सकता है, लेकिन कभी अकेला पाई बॉन्ड बनेगा नहीं सर, वो डिपेंड करता है, पहले सिग्मा बनेगा उसके बाद पाई बनेगा। तो पाई बॉन्ड कैन नॉट बी फॉर्म अलोन, पाई बॉन्ड कैन नॉट बी फॉर्म अलोन, मतलब ये पाई बॉन्ड कब बनेगा, सिग्मा बनने के बाद ही पाई बन सकता है, लेकिन सिग्मा ऐसा कुछ नहीं, पहले खुद बना लेगा सिग्मा बॉन्ड, बाद में पाई बॉन्ड बना लेगा। इज इट क्लियर बेटा? यहां तक आपको समझ में आया, राइट? अब इसके आगे जो कंटिन्यूटी पार्ट होगा बेटा, मैं चाहूंगा वील गोइंग टू फाइंड द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, इसको भी देख लो बेटा। ये जो मैंने बताया सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड के छोटे छोटे डिफरेंसेस थे, आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है सिग्मा बॉन्ड जहां होगा वहां रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन नहीं होती है, लेकिन पाई बॉन्ड जहां होता है वहां रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन भी होती है, बस वो लिखा के नहीं दिया, ओरली बोल दिया बेटा। अब इसमें जो आएगा वो आएगा कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड द पाई बॉन्ड, कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स एंड पाई बॉन्ड। बेटा ये जो क्वेश्चन है ना सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड कैलकुलेशन करने के लिए, मैं आपको छोटा सा एक ट्रिक देता हूं, सुनो ट्रिक क्या है बेटा। ट्रिक है ये, इट इज अप्लीकेबल फॉर द ओपन चेन सिस्टम। बेटा ओपन चेन सिस्टम मतलब सिस्टम या कंपाउंड आपका साइक्लिक ना हो, रिंग वाला ना हो, है ना? तो ओपन चेन सिस्टम के लिए एक ट्रिक है, सिग्मा बॉन्ड आपको जब भी बनानी है दैट इज इक्वल टू एटॉमिसिटी माइनस वन। जैसे कि देखो मैं आपसे पूछूं बेटा सी एच फोर के सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, तो एटॉमिसिटी देखो बेटा, एक कार्बन और फोर हाइड्रोजन, फोर प्लस वन फाइव, फाइव माइनस वन फोर सिग्मा। बेटा स्ट्रक्चर से भी देखो, आपको बताता हूं मैं, ये मीथेन का स्ट्रक्चर है, तो सिग्मा बॉन्ड कितने, एक दो तीन चार, क्योंकि दो एटम के बीच में पहला बॉन्ड सिग्मा है, ये दो एटम के बीच में पहला बॉन्ड सिग्मा, और ये दो एटम के बीच में पहला बॉन्ड सिग्मा, और ये दो एटम के बीच में बेटा पहला बॉन्ड सिग्मा। तो
तो सिग्मा बॉन्ड कितने आ गए, चार सिग्मा बॉन्ड आ गए। वैसे आगे देखो बेटा, वैसे आगे अगर मैं आपसे पूछूं, ये सेकंड एग्जांपल है मेरे पास, ये C2H6 है बेटा। मैं आपसे पूछूं बेटा सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, एटोमिसिटी कौन करो, 6+2 8 बेटा, 8-1 7 सिग्मा। तो 7 सिग्मा मतलब पहला स्ट्रक्चर बनाई है बेटा, दो कार्बन है, दो कार्बन, हाइड्रोजन कितने 6 है, तीन तीन हाइड्रोजन इनको डिस्ट्रीब्यूट करा लो, 3 यहां पर और 3 यहां पर, और ये स्ट्रक्चर क्लियर राइट है या रॉन्ग है आपको ये मालूम होना। कार्बन की वैलेंसी 4 है तो कार्बन ने चार बॉन्ड बनाने हैं, 1 2 3 4, तो ये सिग्मा 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 1 2 3 4 5 6 7 बेटा, नो पाई बॉन्ड। लेकिन एग्जांपल नंबर 3 देखो बेटा, अब आपसे पूछा जाओ C2H4 में सिग्मा कितने, तो एटोमिसिटी काउंट करो बेटा, 4+2 6-1 5 सिग्मा 5। लेकिन स्ट्रक्चर बना के भी देखो, आप जानते हो दो कार्बन है, हाइड्रोजन 4 है बेटा, ये दो हाइड्रोजन इसको दे दो, दो हाइड्रोजन इसको दे दो। अब कार्बन की वैलेंसी 4 होना है, 1 2 3 ये 4, 1 2 3 4 बेटा, फर्स्ट बॉन्ड सिग्मा, 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 नेक्स्ट बॉन्ड इज पाई, टोटल सिग्मा 1 2 3 4 5 फाइव सिग्मा। तो पाई बॉन्ड कितने बेटा, ओनली 1 पाई बॉन्ड आ गया। आ रहा समझ में, ये है। अब इसी में हमसे साइक्लिक स्ट्रक्चर पूछा गया है बेटा, ये बेंजीन है, तो बेंजीन में ये ट्रिक लागू नहीं होती बेटा, जो मैंने आपको दिया ना सिग्मा बॉन्ड इज इक्वल टू एटोमिसिटी माइनस 1 बेटा, ये ट्रिक है ना बेंजीन में लागू नहीं होती है। तो आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, ये रहा बेटा स्ट्रक्चर, C6 हो गई और H6 है, 1 then 2 then 3 4 5 6 बेटा, कार्बन की वैलेंसी 4 थी, 1 2 3 ये 4 ये 4 4। अब देखो इन दोनों के बीच का पहला बॉन्ड सिग्मा, CH का पहला सिग्मा, तो ऐसे CH कितने 6 है, तो ये पहले 6 सिग्मा, CC का पहला बॉन्ड सिग्मा 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 मतलब 6 सिग्मा यहां भी आ गए, और ये सेकंड बॉन्ड पाए सेकंड बॉन्ड पाए सेकंड बॉन्ड पाए, तो सिग्मा काउंट करो बेटा, CC के 6 CH के 6, तो टोटल सिग्मा आ गए 12, और पाई बॉन्ड बेटा 1 2 3 3, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड इन बेंजीन मॉलिक्यूल इज 3 and 6। वैसे ये नीट एग्जाम में पूछा गया था बेटा ऐसा क्वेश्चन कि टेट्रा साइनो इथेन, मैं यहां लिख रहा हूं टेट्रा साइनो मीथेन, इथेन ले लो, चलो अच्छी बात है, टेट्रा साइनो मीथेन पांचवा, टेट्रा साइनो मीथेन करके दिया बेटा। मीथेन तो ये तो पक्का है कि कार्बन के साथ में चार बॉन्ड आ जाए, साइनो मतलब सीएन होता है, सीएन को ऐसे लिखा जाता है, टेट्रा मतलब चार बार सीएन को जोड़ो, बॉन्ड से सी जुड़ गया और ये बेटा। एक्चुअल में मेरा ट्रिक यहां भी एप्लीकेबल है, एक काम करो, एक कार्बन है अच्छी बात है, सीएन है चार बार है, तो एटोमिसिटी निकालो बेटा इसकी, तो मैं लिखा हूं इसकी सिग्मा बॉन्ड निकालने के लिए एटोमिसिटी देखो, नाइट्रोजन 4 कार्बन 4, 4+4 8+1 9-1 8 सिग्मा, देखो इन दोनों का पहला बॉन्ड सिग्मा 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 सिग्मा, कौन करो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 सिग्मा। बाकी के देखो बेटा ये कितने हैं, 2 पाए हैं बेटा, ये भी कितने हैं 2 पाए, और ये भी कितने हैं 2 पाए, और ये भी कितने हैं 2 पाए, 2 4 6+2 सर यहां पर पाई बॉन्ड 8 सिग्मा बॉन्ड 8। एटोमिसिटी का कंसेप्ट यहां भी एप्लीकेबल है, सिर्फ रिंग में एप्लीकेबल नहीं है। आई होप बेटा आपको मेरा ये पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया वीबीटी वाला, और वीबीटी के कंसेप्ट में समझने के बाद थोड़ा सा हम इसमें लिमिटेशंस में जाएंगे बेटा, कुछ लिमिटेशंस वीबीटी में आएंगे, अब वो लिमिटेशंस क्या है मैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, और वो लिमिटेशन बताने के बाद हम नई थ्योरी पढ़ने वाले और वो है हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन उससे पहले मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा बेटा टाइप ऑफ द पाई बॉन्ड फॉर्म इन द गिवन मॉलिक्यूल, SO2 में पाई बॉन्ड है तो कितने हैं और कौन से टाइप के हैं, SO3 में पाई बॉन्ड है तो कितने हैं और कौन से टाइप के हैं, वैसे कार्बोनेट के रेडिकल में पाई बॉन्ड जो होते हैं वो कितने पाई बॉन्ड है और कौन कौन से टाइप के पाई बॉन्ड है। अब टाइप ऑफ पाई बॉन्ड बोलते हो आप कंफ्यूज नहीं होना, PP पाई बॉन्ड हो सकता है, DP पाई बॉन्ड हो सकता है, और DD पाई बॉन्ड भी हो सकता है,
पर डीडी पाइपलाइन हमारे कंसर्न हमारे सिलेबस में नहीं है, सिलेबस के बाहर है, राइट? तो दैट ऑल द रिमेनिंग पार्ट वी आर गोइंग टू सी इन अवर नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच. इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब इट, एंड प्लीज शेयर मोर नंबर ऑफ स्टूडेंट जिनको इसकी जरूरत है वहां तक पहुंचा लो. थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय.